ग्वालियर में निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 3 लोगों के खिलाफ में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना 1 साल पहले की है। दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सूर्यनगर में रहने वाली उपेंद्र यादव का संपर्क बरेली के कौशल शर्मा और मेरठ के अनुज प्रधान से हुआ था। इन लोगों ने अपने तीसरे साथी संजय झा नई दिल्ली की मदद से उनकी बेटी का दाखिला निजी मेडिकल कॉलेज में कराने का झांसा दिया। पिछले साल जनवरी में अनुज प्रधान, संजय झा और कौशल शर्मा ने फरियादी उपेंद्र यादव से 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जब बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ और आरोपियों ने उनके पैसे भी नहीं वापस किए, तब इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। इसमें एक उपेंद्र यादव जी हैं, उनका बताना है कि उनकी बच्ची को इस मेडिकल में एडमिशन दिलाने के नाम से दो लोग जो बरेली के यूपी के रहने वाले हैं, उनके 15 लाख रुपए ले लिए थे उनसे और कोई एडमिशन नहीं दिलाया तो उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध थे। कितने आरोपी हैं? दो आरोपी हैं, रहने वाले सब यूपी के हैं। तो आरोपी को सर पकड़ लिया गया? नहीं, अभी तो केस रजिस्टर्ड हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके फिर कर रहे हैं।